सेम 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 वही चीज़ है भाई। मतलब सात आठ पूरा का पूरा टायर घिसने के बाद भी 7 से 8 किलोमीटर 8 से 7 किलोमीटर खींच पाती है, कैसे क्या खींच रही है सब इसका भी हम टेस्ट कर ही लेते हैं। हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक अगेन गाइस। वापस आए हैं एक और नई वीडियो के साथ, और आज की इस वाली वीडियो के अंदर होने वाला है हर बार की तरह इस बार भी फिर से ज़्यादा धमाल। बिकॉज गाइज, अपन ने यार लास्ट वाला एपिसोड, अगर आप लोगों ने देखा है लास्ट वाली वीडियो को देखा है तो उसमें सिंपली आपको पता होगा कि अपने यार ऑफ रोड व्हीकल्स जो होते हैं ना उनकी अपन ने थग ऑफ वॉर ली थी। बट आज का मौसम थोड़ा सा यार देखो हो रखा है क्लाउडी सा, मतलब बादल वादल छाए हुए हैं, और एक भाई ने मतलब कमेंट करा के बोला कि यार अपनी जो लैम्बोर्गिनी है ना भाई उसका कलर ब्लैक करा लो। तो मैंने थोड़ा सा ब्लैक करा के प्रीसेट में ब्लू कलर दिया है, जिससे कि थोड़ा ब्लैक एंड ब्लू वाला शेड आएगा, ठीक है ना, तगड़ी लगेगी लुक। और ये है एक BMW की 14i जो कि अपन ने सेल करी थी इस टकले को, ये जो ब्लैक कलर का टकला खड़ा हुआ उसको बेची थी, तो उसी की, और ये बुगाटी अपनी है। एंड साथ में ये जो भाई कॉमेट कार लेकर आया है ये है गाइस बैनी की, ठीक है ना। बैनी मतलब समझ रहे हो ना, बहुत तगड़ा मॉडिफिकेशन जिसने खुद मॉडिफाई करी है। तो आज की इस वाली वीडियो में गाइस हम इस लैम्बोर्गिनी के थ्रू ये सारी की सारी जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे नज़र आ रही हैं ना आपको, इन सबको खींच के देखने वाले हैं, और कैसे रहेगा कि ये खींच पाएगी भी या नहीं खींच पाएगी, ये चीज़ हमें चेकआउट करनी है आज की डेट में। और लैम्बोर्गिनी का पावरफुल इंजन कितना पावरफुल है ये चीज़ भी चेक करनी है अपने को। तो लो, सबसे पहले गाइस अपन ने खींची है बुगाटी पे, बुगाटी पे अपना रस्सा लगा दिया है गाइस हमने, ठीक है। लेकिन जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा ना, सबसे पहले लाइक करो यार, देखो ऐसी बात नहीं बनेगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में बताना आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों को ये वाली थग ऑफ वॉर, और जितना भी है मतलब बता दिया करो, एंड शेयर वगैरह कर दिया करो, बाकी सब्सक्राइब तो कर ही लिया करो, तुम लोग करते नहीं है बट कर लिया करो, ठीक है। अभी देखते हैं भाई, पावरफुल इंजन तो काफ़ी ज़्यादा है, पावर तो बहुत है वैसे यार इसके इंजन में लैम्बोर्गिनी के, बट 6-7 किलोमीटर में मज़ा नहीं आता। सेम वही चीज़ है भाई, मतलब सात आठ पूरा का पूरा टायर घिसने के बाद भी 7 से 8 किलोमीटर 8 से 7 किलोमीटर पर मज़ा सा नहीं आ रहा यार इतने में, है ना गाइस। 7-8 किलोमीटर में वाली फील नहीं आती है, और इंजन देखते कितनी देर में गर्म होता है। बट बुगाटी डी वायर काफ़ी ज़्यादा हैवी व्हीकल होता है, बट खींच लिया आराम से, इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। अभी हम जाते हैं पीछे की साइड, अब एकदम से खींच के देखते हैं तो भी कोई सीन, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मतलब वही 7-8 किलोमीटर की स्पीड में खींच रही है, बस इससे ज़्यादा नहीं जा पा रही है। एंड मे बी गाइस अपन ने आधा रास्ता तो बिल्कुल नहीं क्रॉस करा अभी तक, आधा नहीं शुरू का ही अभी हुआ है, मतलब ये आधा तो इसे कह ही नहीं सकते। हम साइड में लगा देते हैं अपनी बुगाटी को, इस तरफ को खींच लेते हैं, और काफ़ी हद तक ठीक रिस्पॉन्स है, बट काफ़ी गंदी होने वाली है अब अपनी बुगाटी भी। एंड यहीं पे खड़ा कर देते हैं भाई इसको भी, ताकि गंदी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। डी अटैच कर लिया अपन ने गाड़ी को, अब देखो गाइस कितनी ज़्यादा स्पीड में भाग रही है, तब में और अब में बहुत फ़र्क है। अब सीधा 40-50-100 तो यूँ क्रॉस कर जाती है भाई, यूँ हंस के क्रॉस कर दिया भाई 100 की। तो मेन अपनी गाइस है BMW, क्योंकि BMW एक नया मॉडल है, M40i का होगी, काफ़ी ज़्यादा हैवी व्हीकल तो कह सकते हैं हम लोग। एंड अब उससे पहले हम खींचने वाले कॉमेट को, कॉमेट देखते हैं भाई कितनी स्पीड में चल पाते हैं। कॉमेट वैसे लग तो बहुत हल्की रही थी, लेकिन यार बैनी ने जो मॉडिफिकेशन करी है उसके बाद कुछ ऐसा लग रहा है गाइस मेरे को कि यार इस बंदे ने इस गाड़ी को जो है ना भाई पूरा का पूरा हाई मॉडिफाई करने के बाद इतना भारी सा कर दिया यार, जिसके बाद ना इस गाड़ी के अंदर से ना भाई भारी भारी सी हो रही है एकदम, लाइक 6-7 6-7। ये भी बुगाटी की तरह बहुत धीरे धीरे टायर देखो तो कितनी तेज घूम रहा, बट चल कितने पे रही है, मात्र 7-8 किलोमीटर पे, यार इतनी स्लो चल रही है। लेकिन इससे ये चीज़ पता चलती है कि बैनी ने जो मॉडिफिकेशन करी है काफ़ी ज़्यादा हैवी मॉडिफिकेशन करी है उसने यार, हल्के में नहीं ले सकते उसकी गाड़ी को भी। मैंने तो हल्के में लेके देख रहा था कि भाई छोटी सी गाड़ी है, हल्की सी होगी, काफ़ी धीरे धीरे चलेगी, बट नहीं यार उल्टा पड़ गया यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा, कि छोटी गाड़ी थी बट काफ़ी हैवी निकली। अभी इसको भी हमने ला के खींच के देख लिया, बातचीत करते हैं हम BMW की, क्योंकि जो गया ना BMW अपने को थोड़ा लग रहा है कि ज़्यादा हैवी है इन सबसे, वो शायद ना भी खींच पाए इसका अपनी लैम्बोर्गिनी से, तो वही चीज़ हमने को देखना है। एंड अगर नहीं खींच पाए ना तो भाई मतलब मज़ा आ जाएगा BMW देख कर, तो क्योंकि लैम्बोर्गिनी और BMW एक बहुत ही छोटी जब बड़ी कंपनी है, उसको भी चेकआउट करते हैं अभी अपन लोग। लेकिन गाइस यार उससे पहले अपन जो है डी अटैच कर लेते हैं अपनी इस वाली गाड़ी को भी, उसके बाद अपन चलते हैं सीधा BMW M40i, यानी कि जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ी व्हीकल है, और काफ़ी यार मतलब अपडेट हो गई है ना अपनी गाड़ी, पेंट के साथ अपन ने थोड़ी अपडेट भी करा ली थी, इसकी मॉडिफाई करा ली थी, एंड उसके बाद से थोड़ी सी ज़्यादा भी स्पीड, इंजन काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुका है यार अपनी लैम्बोर्गिनी का। तो चलो पहले इसको अटैच कर लेते हैं, फिर अभी देखते हैं आगे का। तो फाइनली गाइस अपन ने पूरा अटैच कर लिया है अपनी BMW से, अपनी लैम्बोर्गिनी को अटैच कर चुके हैं अपन लोग। अब यहाँ से अपन जो है पूरा का पूरा टर्न लेके देखते हैं भाई,
एंड सेम स्पीड ही लग रही है भाई, 6-7 किलोमीटर, कुछ ज़्यादा खास रिस्पॉन्स इसका भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सेम ही है भाई। जब तक वो देखो अपना तीनों आपस में बातों में लगे हुए हैं और अपन यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं भाई कि किस वाली गाड़ी का इंजन में दम है या नहीं है, क्योंकि लंबोगनी के इंजन में इतना ज़्यादा कुछ खास दम तो मेरे को लग नहीं रहा भाई साहब। यार देखो 6-7 किलोमीटर में मज़ा नहीं आ रहा, या तो इंजन गर्म हो रहा होगा भाई अभी तक इसका पता नहीं। तो गाइज यार 6-7 किलोमीटर से ऊपर भरने का ही नाम नहीं ले रही है भाई अपनी यार ये लंबोगनी जो है ना भाई, 6-7 से ऊपर भर रही नहीं है भाई, 13-14 तक जाती है फिर वही 6-7 पे आ जाती है। मतलब यार सारी गाड़ियों से सबसे ज़्यादा स्लो चलने वाली गाड़ी कह सकते हैं। बट लेकिन मौसम भी देखो यार ठीक होता जा रहा है, धीरे धीरे क्लाउडी भी हो जाता है, एकदम से धूप आ जाती है, फिर एकदम से छाव हो जाती है, बादल आ जाते हैं, कुछ भी चल रहा है यार आज गेम में, कुछ भी चल रहा है, समझ नहीं आ रही अपने को भी, ठीक है ना। तो अभी देखो भाई मतलब पूरे 6-7 से भी ऊपर नहीं जा रही भाई, इसको तो लेकर 6 से ऊपर भी नहीं निकल पा रही है गाड़ी। तो अभी यार गाइस देखो अपन ने तीनों गाड़ियों में खींच के लेकर आ चुके हैं, बट यार लंबोगनी में इतना ज़्यादा दम था नहीं। तो अभी हम ट्राई करने वाले हैं बैनी की वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल व्हीकल जिसको उसने खुद मॉडिफाई करा है, उस वाली व्हीकल में कितना दम है, कितनी जान है, कि किस स्पीड में ये गाड़ियों को खींच पाती भी है या नहीं खींच पाती है, कैसे क्या खींच रही है, सब इसका भी हम टेस्ट कर ही लेते हैं यार लगे हाथ, क्योंकि अब अपने हाथ में है तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है अपना। लेकिन कुछ खास रिस्पॉन्स अपने को लग नहीं रहा, वही 6-7 किलोमीटर, 6-7 सेम ही स्पीड आ रही है गाइस इसमें। तो अभी इसको डी अटैच करते हैं और दूसरी गाड़ी को लेकर आते हैं, एंड इसकी स्पीड तो बहुत तगड़ी है ये। तो अभी यार देखो अपन ने BMW को खींचने की कोशिश में है और BMW यार वही सेम स्पीड आ रही है सब गाड़ियों की, किसी भी गाड़ी में इतने ज़्यादा दम नहीं है कि भाई मतलब एक दूसरे के सारी, मतलब ये वाली स्पोर्ट्स कार है, लंबोगनी भी एक सुपर कार में आती है, बुगाटी एक स्पोर्ट्स एंड सुपर दोनों में आ जाती है, एंड BMW एक सुपर कार है शायद से, ये वाला मॉडल आई थिंक स्पोर्ट्स कार में आता है, सुपर कार में नहीं आता है। एंड जितनी भी ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग सारी की सारी स्पोर्ट्स कार ही हैं, कोई भी सुपर कार नहीं है, इतने भी सुपर कार बस एक ही थी जो कि थी अपनी यार एक लंबोगनी जो कि मेन सुपर कार थी, बाकी ये तो स्पोर्ट्स और सुपर दोनों ही कार में आती हैं। एंड सही है यार दोनों की दोनों अपनी जगह, सारी गाड़ियां अपनी जगह यार काफ़ी हद तक परफेक्ट हैं, किसी में भी कोई भी कमी नहीं है यार, सबका इंजन एक जैसा ही है, सारी गाड़ियां एक ही तरह की थी, मतलब सबका इंजन बराबर स्पीड पे चल रहा है, कोई भी ज़्यादा आगे नहीं खींच पा रहा है, सब अपनी 6-7 किलोमीटर स्पीड पर ही खींच पा रही हैं गाड़ियाँ। एंड बाकी देखो यार आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको मतलब अच्छा लगा हो गाड़ी का जो अपन ने कलर भी चेंज करा लिया थोड़ा सा, अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा कलर का, कलर चेंजिंग जो अपन ने करी है कैसी लगी। एंड मैं मिलता हूँ इस अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक क्लियर देखो, टाटा बाय बाय एंड सी यू फॉर नेक्स्ट टाइम।